एनजीओ फेडरेशन मेडिकल कॉलेज नाहन ने स्थानीय विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। एनजीओ फेडरेशन की एक बैठक नाहन में आयोजित हुई, जिसमें विधायक राजीव बिंदल को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। एनजीओ फेडरेशन मेडिकल कॉलेज नाहन ने स्थानीय विधायक व भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजीव बिंदल को अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। एनजीओ फेडरेशन की अध्यक्षा प्रीतम कौर ने बताया कि मेडिकल कॉलेज नाहन में मेडिकल स्टाफ के लिए रेजिडेंस की सुविधा मौजूद नहीं है, जिस वजह से कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इनका ये भी कहना है कि स्टाफ की कमी के चलते मेडिकल कर्मचारियों को अवकाश भी नहीं मिल पा रहे हैं और इनको अतिरिक्त ड्यूटी देनी पड़ रही है। एनजीओ फेडरेशन के मुताबिक मेडिकल कॉलेज नाहन में अभी भी नर्सेज के स्वीकृत 181 पदों में से 131 पद खाली चल रहे हैं। फेडरेशन ने एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल मुहैया करवाने की भी मांग की है। इसमें एक नंबर पे थी कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं दूर दूर से आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से रह रहे हैं, तो उनके लिए एक एकोमोडेशंस बिल्कुल नहीं है सर हमारे पास, तो एकोमोडेशंस का उन्होंने ऑनलाइन अभी इनॉग्रेशन भी किया है, वो जल्दी से प्रोसेस में लाएँ। नंबर दो पे हमने उनको बताया कि कॉलेज में जो एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं, बच्चों के एक वेलफेयर के लिए हॉस्टल का जल्दी निर्माण किया जाए। नंबर तीन पे मैंने उनको अवगत कराया है सर कि हमारी नर्सेज की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, 181 नर्सेज की हमारे पास मतलब वो है सीटें हैं, और उनमें से हमारे सिर्फ ओनली 50 ही नर्सेज ड्यूटी पर मतलब तैनात हैं, जो बाकी रिक्त स्थान पड़े हैं सर नर्सेज के। चार चार दिन में नाइट ड्यूटी आ रही है, और उसके चलते जो आउटसाइड की लड़कियां हैं वो 9-9 महीने से घर नहीं गए हैं। कोरोना को देखते हुए मेडिकल कॉलेज ने बिल्कुल छुट्टियों पर बैन लगा रखा है सर, कि कोई भी छुट्टी पर नहीं गया, और अपनी एहतियात को बरतते हुए हमने पूरी ड्यूटी तन मन से दिन रात की है। वहीं विधायक राजीव बिंदल ने आश्वासन दिया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज नाहन की व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास लगातार जारी है। बिंदल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज निर्माण को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर है और जल्द यहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। हमारा लगातार प्रयास है कि हमारे मेडिकल कॉलेज में अनेक प्रकार से व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाएं, ताकि जन सेवा अलग प्रकार से हो सके। आपके सामने है, आजकल भवन निर्माण का काम बहुत तेज गति से चला है, और कई बार तो उसकी गति इतनी तेज हो जाती है कि मेडिकल कॉलेज का काम भी कई बार सफर करने लगता। जो 11 मंजिला बिल्डिंग बन रही है, उसके साथ जो दूसरा भवन बनना है, उसकी भी सारी क्लियरेंसेस हमने पिछले कल करा दी हैं। वन विभाग की क्लियरेंस भी हो गई है, और केवल टेंडर प्रक्रिया करके उसके पेड़ काटने का काम है, और उसकी लैंड हैंडओवर उनको कर दी जाएगी, और दूसरे वाला काम भी शुरू हो जाएगा, और बहुत जल्दी वहाँ भवन निर्माण का काम वो शुरू कर दिया जाएगा। 4 करोड़ रुपए की लागत से वो काम शुरू होगा और वो भवन निर्माण किया जाएगा। रेजिडेंसीज की दिक्कत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज हमने जो बैठक की, हमारी दो बिल्डिंगें बन रही हैं 261 करोड़ या 264 करोड़ की, परंतु इसके अंदर किसी भी प्रकार के रेजिडेंसीज का प्रावधान नहीं है, और ना ही हॉस्टल्स का प्रावधान है। तो उस दिशा के अंदर एक अलग से भूमि आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, और हम आशा करते हैं बहुत जल्दी हम लगभग 25-30 बीघा जमीन आइडेंटिफाई करके पूरा एक कॉम्प्लेक्स वहां पर खड़ा करने का प्रपोजल बना करके गवर्नमेंट को प्रेषित करें। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।